ऑब्वियसली दिस मेंटली एज बताया सेम थिंग देयर इज सोशली एक्सेप्टेबल होना है, मेंटली हेल्दी होना है, फिजिकली नॉट फ्रॉम सेटिंग मेजर डिजीजेस नहीं रहना चाहिए ये हमारा, बिकॉज वी डू नॉट वांट ब्लड फ्रॉम दी और ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जैसा हमने बताया ब्लड जितना बढ़िया है उतना डेंजरस भी है, ये हम बार बार बोलता है, आप लोग भी जानते हैं, जस्ट आपका मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए हमें कहना चाहेंगे रिपीटेडली, ब्लड जब गलत ब्लड से भी ऐसा हो सकता है, यानी एचआईवी हो सकता है, हेपेटाइटिस बी हो सकता है, हेपेटाइटिस सी हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, सिफिलिस हो सकता है, और वायरल बैक्टीरियल डिजीज हो सकता है, लेकिन इतना कॉमन रखा गया है लेकिन सब हो सकता है, तो वी शुड बी ऑन दैट पार्ट। देखिए एचआईवी का हमारे इंडिया का जो बारे में बात करें वर्ल्ड में तो है जाएं हम, बिकॉज वी इंडिया में हम ज्यादा फोकस रखें, कौन कौन स्टेट में ज्यादा एचआईवी है, जहां की 5% एचआईवी पॉजिटिव इन हाई रिस्क ग्रुप, जो रिस्क ग्रुप में ज्यादा आता है, हाई प्रिवेलेंस, सबसे ज्यादा एचआईवी कहां है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, नागालैंड, और मॉडरेट है उससे कम है गुजरात, गोवा, पुडुचेरी, वेस्ट इज द लो प्रिवेलेंस, वेस्ट बंगाल लकीली इज द लो प्रिवेलेंस रेट। और एचआईवी इन्फेक्शन हम लोग सब जानते हैं, टीवी में देखते हैं, पेपर में देखते हैं, न्यूज में सुनते हैं, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे क्या होता है, अपने से हवा से नहीं हो जाता है, छुए से नहीं होता है, इसका कुछ रूट है, ये रूट हम लोग सब जानते हैं, सेक्सुअल रूट, ड्रग और इंजेक्शन, ब्लड एंड इट्स प्रोडक्ट रूट, मदर टू चाइल्ड रूट, और कुछ अनोन कारण है, इसमें से थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सेक्सुअल रूट इज द कॉमनेस्ट रूट, सेक्सुअल रूट इज द कॉमनेस्ट रूट, ब्लड एंड इट्स प्रोड रूट इज ओनली 1%, बट इट इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट, नेक्स्ट इज अ डिफरेंट रूट्स, राइट, नेक्स्ट, सो द कॉमनेस्ट रूट इज द सेक्सुअल, यानी सेक्सुअल रूट चाहे हेटेरोसेक्सुअल हो चाहे वो होमोसेक्सुअल हो, उसे ज्यादा डेंजरस है, लेकिन सेक्सुअल रूट इज द कॉमनेस्ट, बट द डेंजरस रूट आई से इज अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रूट, दो कॉमन थी, दो नॉट कॉमन, बट इट इज डेंजरस, वाई, बिकॉज ऑफ द वायरल लोड, सेक्सुअल लोड में जितना वायरस शरीर के अंदर घुसता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में काफी टाइम से घुसता है, इसलिए सेक्सुअल लोड में वायरस जब घुसा, इंजेक्शन रूट से वायरस घुसा तो थोड़ा से उसको बढ़ने में टाइम लगता है, ये वायरस एक ऐसा पिक्यूलियर वायरस है कि वो ऐसा सडनली कुछ नहीं करने वाला है, वो धीरे 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 दीमक लकड़ी को खाता है ना, धीरे 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 डिस्ट्रॉयड, तो इसी तरह ये धीरे धीरे बढ़ता है एंड टेक्स लॉन्ग टाइम, इसलिए लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड, वेयरएज इफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज रॉन्ग ब्लड इज गिविंग वो सडनली उसका वायरस लोड इतना ज्यादा बढ़ता है वो इंक्यूबेशन घटा देता है, द नॉर्मल इंक्यूबेशन पीरियड इज टेकन एज 2 years to 10 years, सपोज आज शरीर के अंदर में वायरस किसी का घुसा तो 2 साल से लेकर 10 साल के बाद तक भी वो बीमारी हो सकता है, वेयरएज जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे दिया गया तो 6 महीने के अंदर उसका एड्स सिम्टम स्टार्ट हो सकता है, तो इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन डेंजरस बिकॉज वायरल लोड इज वेरी हाई एंड इट इज ऑलमोस्ट 100% होगा, सेक्सुअल रूट से ट्रांसफ्यूजन एक बार दो बार कल्चर सेक्स में नहीं भी हो सकता है, क्योंकि सेक्सुअल रूट में ट्रांसफ्यूजन रूट वायरस का लोड कम रहता नहीं भी होता, वायरस इज वेरी डेलिकेट, इट विल गो अवे, वॉश अवे, लॉन्ग ट्रांसफ्यूजन विल टेक इवन ए सिंगल ब्लड विल कॉज 100% एचआईवी, आज के जो थैलेसीमिक बच्चे उसको देखा 6 years वाज डिटेक्टेड इन दुर्गा मंदिर थैलेसीमिक कैंप एचआईवी पॉजिटिव, दैट गर्ल वाज अराउंड 6 years to 7 years गर्ल, 6 साल की बच्ची थी, उसके अंदर में एचआईवी पॉजिटिव आया, द रीजन नॉट सेक्सुअल रूट, रीजन नॉट मदर टू चाइल्ड रूट, मदर वॉज नॉट इन्फेक्टिव, द रीजन वॉज रॉन्ग ट्रांसफ्यूजन, रॉन्ग मतलब एचआईवी पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो ये एचआईवी पॉजिटिव ब्लड जब गलत से चला गया तो प्रॉब्लम 100% चांसेस है, और एचआईवी कब ज्यादा होता है जब वॉलंटरी चांस कम रहता है, जितना वॉलंटरीनेस होगा एचआईवी चांस घटेगा, बात यह रहता है दरअसल प्रैक्टिकल बात यह है, थैलेसीमिक चिल्ड्रेन आर सो रिक्वायरिंग ब्लड सो फ्रीक्वेंटली समटाइम्स ब्लड बैंक इज अनेबल टू प्रोवाइड, कम्युनिटी अनेबल टू प्रोवाइड, तो दे आर डेस्परेट, तो किसी को भाई बच्चे की जान बचाना कोई भी किसी से प्रोफेशनल डोनर के पास पहुंच जाए, और प्रोफेशनल डोनर्स का ब्लड ये जो रहता है बहुत डेंजरस रहता है, वो एचआईवी घुस गया तो उसका काम बन गया, सो वायरल लोड ऑफ इंफेक्शन है। अब ये जो नया सिनेरियो है, एक हाई रिस्क ग्रुप में जाते हैं भाई कमर्शियल सेक्स वर्कर्स, जो लोग सेक्स को प्रोफेशन बना के पैसा लेते हैं कमर्शियल सेक्स पर बना जाता है, या होमोसेक्सुअल्स हो या ड्रग एडिक्टेड्स हो, ये सब तो बहुत ज्यादा डेंजरस है, ये तो पूरा आउट मैंने पूरा हाई रिस्क, उनका ब्लड लेना बहुत डेंजरस है, उनको लेना नहीं है, लेकिन देखा जाता है
कि ये पॉपुलेशन जनरल पॉपुलेशन से कोई जब क्लाइंट ऑफ सेक्स वर्कर्स उसका जो क्लाइंट एसटीडी पेशेंट मैंने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड दूसरा बीमारी गोनोरिया से मिली सब बहुत सारा बीमारी सब सेक्सुअली रिलेटेड है ये सब माइग्रेंट पॉपुलेशन में देखा जाता है कि जो लोग बहुत दिन तक बाहर से रहते हैं लॉन्ग ड्रॉप ट्रेवल्स रिमेनिंग लॉन्ग इन द हाईवेज ये सब में देखा जाता है कि नहीं वो लोग भी इस ग्रुप में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं बिकॉज दे आर ऑल्सो गेटिंग शिफ्ट बोलते हैं बीच पॉपुलेशन सो अभी जो है सिचुएशन है एपिडेमिक शिफ्ट फ्रॉम हाई रिस्क ग्रुप टू बीच पॉपुलेशन दैट इज इन इंडिया नाउ तो हमको ब्रीज पॉपुलेशन को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा हमारा जो कैंप करेंगे एज ऑर्गेनाइजर्स यू शुड सी दैट दिस पर्सन जहां तक हम जानकारी रहना जरूरी है ये सबको हमको अवॉइड करना चाहिए जहां तक हो सके और सब तो जानते हैं कि विंडो पीरियड क्या चीज है खाली जी रिपीट करने के लिए विंडो पीरियड ऐसा चीज है जिसमें कि आप टेस्ट में करने से नेगेटिव आएगा लेकिन शरीर के अंदर में वायरस होगा बिकॉज हम लोग जो टेस्ट करते हैं वो इनडायरेक्ट टेस्ट है वायरस को देखते नहीं है वायरस है बोलते एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं यानी इनडायरेक्ट टेस्ट तो इनडायरेक्ट टेस्ट करने के एंटीबॉडी जो होता है वो टाइम लगता बढ़ने में तो कुछ टाइम के लिए वो नेगेटिव आएगा ब्लड टेस्ट विल बी नेगेटिव बट इस ब्लड में वायरस प्रेजेंट रहेगा दैट इज कॉल्ड विंडो पीरियड ये टेस्ट का ये है फिर सिफर था इसको कैंसर है सो दैट इज बाउंड टू बी सो विंडो पीरियड में जब ब्लड लिया गया तो यानी वो ब्लड में एच आई वी टेस्ट नेगेटिव होगा लेकिन जिसको मिलेगा उसके शरीर में एच आई वी 100% जाएगा और एच आई वी जब शरीर पर घुस गया वो निकलने का नहीं है दिस इज द डिफरेंस दूसरा बैक्टीरिया घुस गया सर टाइफॉइड हो गया अच्छा हो गया मेरे हो गया ठीक हो गया एच आई वी हुआ ठीक नहीं हुआ कंटिन्यूसली रहा दिस इज द डिफरेंस थोड़ा सा जस्ट ध्यान दें जब पहले इस कल देखिए यहीं पे सपोज वायरस बॉडी के अंदर घुसा तो एंटीबॉडी डेवलप करने के लिए कुछ डीप टाइम लगता है एंटीबॉडी इज अगेंस्ट दिस वायरस ये सडनली नहीं बनता है ये बाद में होता है एंटीबॉडी थोड़ा से बाद में होता है तो ये जो पीरियड है जो पीरियड है इसके बाद जब एंटीबॉडी होगा धीरे 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 क्या होगा वायरस का लेवल बढ़ते जाएगा पहले और वायरस से क्या होगा ना CD4 सेल जो कि एक इंपोर्टेंट सेल है जो कि होल डिफेंस सेल दे गो डाउन वायरस लेवल बढ़ेगा और CD4 सेल घटेगा जिस रोज ये दोनों का फाइट के अंदर में CD4 को डाउन कर दिया वायरस बढ़ गया तो मैनिफेस्टेशन एड्स का होगा तो इतना लंबा पीरियड होगा कि जगह एक साल दो साल तीन साल के 10 साल 12 साल के बाद मैनिफेस्टेशन करेगा आज सेक्सुअल रूट से घुस गया आज इंजेक्शन रूट से घुस गया मैनिफेस्टेशन करा 10 साल के बाद 8 साल के बाद 6 साल के बाद 2 साल के बाद डिपेंडिंग अपन टोटल ऑन वायरल लोड जब ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन में घुस जाएगा तो जल्दी से मैनिफेस्टेशन करेगा यानी एड्स जल्दी हो जाएगा ये बहुत बड़ा फैक्टर है इसलिए हमको जानना जरूरी है वायरल लोड क्या है और CD4 है क्या वायरल लोड वर्सेस CD4 CD4 द डिफेंस मिलिट्री डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी देखिए HIV नेगेटिव था HIV इन्फेक्शन हो गया फिर उसके बाद HIV पॉजिटिव बना पहले जब होगा थोड़ा हल्का फुल्का इलनेस होगा देन सब्सिक्वेंटली HIV पॉजिटिव एसिम्प्टोमेटिक मैंने कोई तरह का सिम्टम नहीं HIV जब घुसा शरीर के अंदर में थोड़ा थोड़ा था उसी टाइम में थोड़ा बहुत इन्फेक्शन जैसा ठंडा खांसी सर्दी होता कुछ नहीं है लेकिन उसके बाद में जब होगा तो लॉन्ग पीरियड ऑफ एसिम्प्टोमेटिक कितना साल तक एसिम्प्टोमेटिक रहेगा फिर बाद में जाकर सिम्टम डेवलप करेगा इसलिए आप नहीं सोच सकते इसलिए नॉर्मल आदमी HIV पॉजिटिव आदमी में देखने में कोई फर्क नहीं है सब समान है ओनली जब एड्स होगा उस टाइम में ऑलरेडी काफी लेट हो गया होता है दैट इज फाइनल सर ये देखिए इन्फेक्शन अभी हुआ पहले हुआ ठंडा फ्लू लाइक सिम्टम हुआ नो सिम्टम हो सकता है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है उसके बाद में देखिए सिम्टम की स्टेप कितना दिन तक सिम्टम थी कोई साइन सिम्टम नहीं है एंड बाद में जाके एड सिम्टम हुआ क्यों वायरल लोड बढ़ गया CD4 बढ़ गया तो क्या होगा डिफेंस पावर चला गया डिफेंस पावर चला गया क्या होगा ना बहुत तरह के इन्फेक्शन मैलिग्नेंसी सब चीज आ जाएगी एक बार आदमी जब कमजोर हो जाता है ना सब अटैक करता है कंट्री जब कमजोर हो जाता है सब अटैक कर सकता है बॉडी ऐसी कमजोर हो जाएगा सब अटैक कर सकता है लेकिन सब इन्फेक्शन इन्फेक्शन हो जाएगा तो दैट इज वेरी लॉन्ग दैट इज फॉर एड्स सो HIV एंड एड्स आर डिफरेंट नेक्स्ट ये होता है टिपिकल एड्स पेशेंट कैसे कैसे तरह का आता है दिस इज कैंडिडेसिस दिस इज लाइक दिस दिस टीवी टर्मिनल स्टेज लिम्फ नोड्स ग्लैंड्स ट्रांस होता है लंग्स में टीवी होता है दिस इज अबाउट दिस बेसिकली हम कहना मतलब यह है कि हम जाने कि एच आई वी पॉजिटिव
और एड टू आर डिफरेंट एंटिटीज, एचआईवी पॉजिटिव नेक्स्ट।